Hello and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamindar Singh. Today I discuss in class 10 chapter number 10 Vidyut Dhara. जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली जो क्लास मैंने ली थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेलिक्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का सेलिक्रम संयोजन क्या होता है और उसके ऊपर अपन ने क्या किए थे बेटा, आंकी प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व किए थे और आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रतिरोधों का संयोजन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो 100% जो अब मैं करवाने वाला हूँ उसमें से जिस पे मैं इंपोर्टेंट टिक करता हूँ तो ध्यान रखिएगा वो इस साल का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे। तो जिस प्रकार आप लोगों ने मैंने कहा था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है सेलिक्रम संयोजन और एक होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन। तो सेलिक्रम संयोजन के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो बेटा याद रखना, अगर एक ही तार से प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हुए बेटा ध्यान से सुनना तो वो क्रम कौन सा कहलाता है बेटा, सेलिक्रम कहलाता। पहचान का बता रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, ये पहचान किसकी है, सेलिक्रम। इस रूप में अगर कोई भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो क्रम कौन सा होगा बेटा, सेलिक्रम संयोजन होगा। दैट्स ऑल, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे बेटा किसके, समांतर क्रम संयोजन। इसके बात करेंगे बेटा समांतर क्रम संयोजन। तो याद है ना बेटा समांतर क्रम संयोजन में तार बार से एक ही आता है लेकिन प्रतिरोध इस रूप में जुड़ा हुआ, इस रूप में बेटा, इस रूप में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसमें R1 R2 R3 तो बेटा ये पहचान किसकी है, समांतर क्रम संयोजन की। किसकी बेटा, समांतर क्रम संयोजन। बात समझ में आ, समांतर क्रम संयोजन की पहचान क्या, अगर एक ही तार से इस रूप में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हो वो क्रम कौन सा होगा बेटा, समांतर क्रम संयोजन होगा। बात समझ में आ गया कि पहचान क्या समांतर क्रम संयोजन, अगर कोई भी प्रतिरोध इस क्रम में जुड़ा हुआ है तो वो क्रम कौन सा होगा बेटा, समांतर क्रम संयोजन होगा। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से आज अपन समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन में जिस प्रकार से अपन सेलिक्रम में अपने तीन फॉर्मूले निकाले थे उसी प्रकार से आज भी अपन क्या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का इसमें क्या निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा बेटा ध्यान से सुनना, अगर डेरिवेशन क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बात समझ में आ गई बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले होता क्या समांतर क्रम संयोजन में, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बता रहा हूं मैंने कहा तार बार से है, ये तार से जुड़ा होता है बेटा बैटरी से, ये प्लस ये माइनस, ये क्या एलिमेंट है यहाँ पे बेटा, बैटरी। बैटरी का एलिमेंट क्या लगा, पूंजी। यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया, यहाँ मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैंने तीन प्रतिरोध इस रूप में मैंने जोड़ दिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बेटा आई, ये मैंने मान लिया R1 R2 R3 बेटा। ये चीज मैं बार बार कहना चाहता हूं कि समांतर क्रम संयोजन का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करेंगे अपन, तो उसमें ध्यान रखिएगा उसकी पहचान क्या होगी। वहां पे अपन दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा, एक तो डायग्राम वाला, एक बिना डायग्राम वाला। अगर कभी भी समांतर क्रम संयोजन का आया था तो डायग्राम में ये बना दो, तीन है तो तीन जोड़ दोगे, चार है तो चार जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तरीका आप लोगों को मैंने बताया कि सेलिक्रम संयोजन में भी सूत्र कैसे उत्पन्न करते हैं, तो मैंने कहा था जो चीज जिसमें अलग है वही अपन क्या करनी बेटा, सिद्ध करनी है। दैट्स ऑल। तो यहां पे अलग ना मैंने तीन प्रतिरोध दिए बेटा, R1 R2 R3 धारा इसमें जा रही है, लेकिन बेटा इसमें दो चीज पॉइंट ध्यान रखना कि धारा इसमें सब में अलग अलग जाएगी, धारा सब में क्या जाएगी बेटा, अलग अलग। इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी, लेकिन विभव सब पे क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। बात समझ आ गई बेटा। मैं ध्यान से देखिएगा, नोट करके दो पॉइंट पहले लिख देता हूं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव समान होता है, आगे। दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन में
प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा अलग अलग होती है। तो बेटा देखो अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले एक बार मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि समांतरगमन संयोजन होता क्या है। अगर एक ही तार से बहुत सारी चीजें मैं एक ही साथ जोड़ देता हूं तो गर्म कौन सा होगा बेटा? समांतरगमन संयोजन होगा। इसका एग्जांपल कैसे याद रखोगे कि मैंने कहा मेरे घर के अंदर मीटर की बात करता हूं, वहां पे एक ही वायर आता बेटा, थंबे से कितना वायर आता अपने, एक ही वायर आता जो मीटर से जुड़ा हुआ। अब क्या करते अपन उसी मीटर से बहुत सारे तार निकालते, निकालते सही बोल रहा हूं मैं, मैंने कहा कि थंबे से एक वायर आता अपने घर के मीटर के अंदर, उस मीटर से अपन क्या करते बेटा एक पंखे को जोड़ देते हैं, कूलर को जोड़ देते हैं, ये स्विच टीवी का हो जाता है, एसी का हो जाता है, फ्रिज का हो जाता है, बहुत सारे उससे उपकरण जुड़ जाते हैं। यानी एक ही तार से बहुत सारे प्रतिरोध को अगर मैं जोड़ देता हूँ, कनेक्शन बाहर से एक यार इससे मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे जोड़ दी है, तो वो क्रम कौन सा होगा बेटा? समांतर क्रम संयोजन होता है। और एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कहा है कि घरों में हमेशा संयोजन किस प्रकार का होता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन होता है। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम में बेटा तीन प्रतिरोध लिए है, R1, R2, R3। अब बेटा ये डायग्राम में देखोगे, अब तुम लोग देखोगे घर के अंदर, घर की मैं बात करता हूँ, घर में समांतर क्रम जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही बाहर से लाइट आती है, मीटर ऑन होता है, तो आप लोग देखते हो सब में करंट समान आता है क्या बेटा? आता है क्या करंट? नहीं, सब में करंट समान नहीं आता है। तुम लोग देखो किसी में ज्यादा करंट आता है, किसी में क्या आता है बेटा? कम करंट आता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि समांतरगमन संयोजन में, ध्यान से देखिएगा बेटा, समांतरगमन संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव तो क्या होता है बेटा? समान होता है। अगर घरों की बात करता हूँ, घरों में कोई भी स्विच जाके चेक कर लेना बेटा, सब में वोल्टेज चेक करोगे तो कितना आएगा? 220 ही आएगा। सब में वोल्टेज कितना आएगा बेटा? 220 ही आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ घर के जितने भी स्विच है वहां पे जाके चेक कर लेना, वोल्टेज कितना आएगा बेटा सब पे? 220 ही आएगा। विभव तो घर पे सभी उपकरण पे समान होगा, लेकिन धारा सब पे क्या जाएगी बेटा? अलग अलग जाएगी। यानी सही क्रम का क्या बेटा? ये उल्टा है। सही क्रम का क्या बेटा? उल्टा है। That's all। तो मैंने क्या कहा है कि समांतरगमन संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव तो क्या रहेगा बेटा? समान रहेगा, यानी वी रहेगा, लेकिन धारा सब में क्या जाएगी बेटा? अलग अलग जाएगी। तो स्टार्टिंग मैंने दो पॉइंट लिख दिए हैं कि समांतरगमन संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव क्या होता बेटा? समान होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा क्या जाएगी बेटा? अलग अलग जाएगी। तो आप लोगों को कहा था मैंने बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो चीज अलग होती है वो हम क्या करनी बेटा? सिद्ध करनी। यहाँ अलग क्या बेटा? धारा। धारा क्या है? I1 + I2 + I3। बात समझ आ गई बेटा? वहां पर अपन श्रेणी में पढ़ा था, वहां पे अलग क्या था? विभव था। तो क्या लेते थे? V1 + V2 + V3। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? सबके अंदर करंट अलग जा रहा, विभव सबके क्या जा रहा बेटा? समान जा रहा। तो मैंने कहा करंट इसमें I1 जा रही, इसमें I2, इसमें I3 जोड़ लूंगी क्यों बेटा? I1। बात समझ आ गई? इसको मैंने दे दिया बेटा समीकरण नंबर 1। बात समझ आ गई है? आगे देखिएगा। अब बेटा मैंने आप लोगों को कहा था कि अपन को ये समीकरण को क्या करना बेटा? सॉल्व करना है। यानी अपन को किसी वैल्यू चाहिए? आई की, I1 की, I2 की, I3। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन सा नियम लगाओगे? ओम के अनुसार। किसके अनुसार? ओम के अनुसार। ओम के अनुसार बेटा क्या होता है? बीजगणित क्या होता है? आयाम होता नहीं होता है। यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? बेटा आई की निकालते हैं, I1 बराबर क्या आएगा बेटा? V/R। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दो चीज अलग है, वो अपन करनी बेटा सिद्ध करनी। अब सिद्ध क्या करना? I1 + I2 + I3। इन सब का अपन क्या चाहिए बेटा? मान चाहिए। वो मान करके अपन काटेंगे तो फिर अपने पास क्या निकल जाएगा बेटा? सूत्र निकल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ध्यान से सुनना। तो ओम के अनुसार बीच में क्या होता है? I। तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई बेटा? I की वैल्यू आ गई। अब ये ध्यान से सुनना बेटा, प्रतिरोध R1 पर विद्युत धारा I1 है, प्रतिरोध R2 पर विद्युत धारा I2, प्रतिरोध R3 पर विद्युत धारा I3 है। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि सबसे पहले सूत्र जो चीज अलग सिद्ध करनी है, इसमें आपको आई की वैल्यू चाहिए, I1, I2, I3 की वैल्यू चाहिए। आई की वैल्यू कितनी हो गई? विजुअल वाई आर से निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू में निकाल। अब बेटा देखो ध्यान से सुनना, अब कह रहा है R1 प्रतिरोध से, तो
तो बेटा देखो यहाँ पे आर वन प्रतिरोध की धारा कितनी आई वन, आर टू प्रतिरोध कितनी आई टू, आर थ्री पे कितनी आई थ्री, बस में बी तो सब पे क्या बेटा समान। तो अपन ने देखो यहाँ पे सही में समझा रहा बेटा, अपन ने क्या पढ़ा आई थ्री का बेटा बी बाय आर होता है, होता नहीं होता है ये तो आई की वैल्यू निकाल दी। अब कह रहा है प्रतिरोध कितना बेटा आर वन है, प्रतिरोध कितना है आर वन है, प्रतिरोध आर वन पे धारा कितनी बेटा आई वन, बी तो सब पे क्या बेटा समान है, बी की वैल्यू कितनी सब पे समान ही है। इसी प्रकार से मैं निकालूंगा सब की निकाल सकता हूँ बेटा, इसका मान कितना आ गया बी बाय आर वन, बी बाय आर टू और बी बाय आर थ्री, इक्वेशन नंबर तीन चार और पांच बेटा। तो समीकरण नंबर एक को अपन को सॉल्व करनी थी, उसमें अपन को आई का मान चाहिए था, आई वन आई टू आई थ्री सबका मान चाहिए था, वो अपन ने निकाल दिया। तो क्या करता हूँ समीकरण दो तीन चार पांच का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या बेटा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई का मान अपने पास कितना बेटा बी बाय आर, v by r1, v by r2, v by r3 देख दिया बेटा मैंने, आगे भी ऐसे देखिएगा। अब बेटा देखो यहां से v कॉमन ले रहा हूं, क्या बच गया 1 by r, बस हमारी है इक्वल टू यहां से v कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 upon r1, 1 upon r2 plus 1 upon r3, ये v से v कैंसिल। तो यहां पर फार्मूला आपके पास कितना है बेटा, क्या है फार्मूला, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। यहाँ पे बेटा आर की जगह क्या लिखेंगे नीचे पी लिखेंगे, क्योंकि वहां पर अपन क्या निकाला था बेटा समीकरण था तो क्या लिया था बेटा एस लिया था, और यहाँ पे कौन सा समांतर क्रम है तो क्या लेंगे बेटा पी लेंगे, बात समझ में आ गई। तो ये किसका फॉर्मूला है समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, बात समझ में बेटा एक बार वापस में एक बार रिवाइज कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा है क्या। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर एक ही वायर से बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो क्रम कौन सा होगा बेटा समांतर क्रम संयोजन, डायग्राम वही बना हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करता हूं तो डायग्राम ये बना है, तीन है तो तीन जोड़ दोगे, एन है तो एन प्रतिरोध इस क्रम में अपन क्या करेंगे बेटा जोड़ देंगे। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट बात का ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन बेटा क्या समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव तो सब पे क्या रहेगा बेटा v ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होता घरों के अंदर, चेंज क्या होती बेटा धारा चेंज होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर धारा i1 जा रही है, इसमें i2 और इसमें i जा रही है, सब पे विभव क्या है v ही है, बात समझ आ गई बेटा। तो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो चीज डिफरेंट है उसी को अपन को क्या करना बेटा सिद्ध करना है, यहाँ पे अलग क्या है धारा है, यहाँ पे i1 i2 i3 कुल धारा कितनी होगी बेटा i, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर एक, आगे सुनना। अब समीकरण नंबर एक को अपन को सॉल्व करना है तो अपन किसकी वैल्यू चाहिए बेटा आई की, आई वन आई टू और आई थ्री का मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बेटा बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनना आई की वैल्यू निकालनी तो हमेशा कौन सा नियम लगाओगे बेटा ओम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है वैल्यू कहता है बेटा आई आर, आई का मान निकाला कितना होगा बी बाय आर, यानी इसका मान अपने पास आ गया आई का मान। अब अपन किसका निकालना आई वन का, तो दिमाग में किया तो आई वैल्यू क्या था बेटा बी बाय आर, आई वन का निकालना है आई वन पे देखोगे प्रतिरोध कितना बेटा आर वन, ये निकल गया। अब अपन किसका निकालना आई टू का निकालना है तो आर टू, आई थ्री का निकालना है तो यहाँ पे लगा थ्री लगा दो, ओके तो मैंने क्या किया बेटा I1, I2, I3 तीनों का मान निकाल लिया आई बात समझ में। अब मुझे क्या निकाला बेटा अब निकाल करता हूं दो तीन चार पांच, समीकरण दो तीन चार पांच का पांच का मान रखता हूं समीकरण नंबर एक में रखता हूं, तो समीकरण नंबर एक क्या था बेटा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I का मान लेगा V बाय R, I1 का V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 दोनों साइड पे कॉमन हो गया बेटा V, यहां पे क्या बचा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी अपने पास फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां पे बेटा P क्यों लगाया है पहचान के लिए, मैंने किसके लिए P लगाया बेटा यहां पहचान के लिए, क्योंकि RS के लगाए जाते हैं वहां पे मैं आज कह रहा हूं सीरीज के लिए, सीरीज यानी श्रेणी क्रम के लिए, इसके लिए काम में लेते हैं बेटा श्रेणी क्रम में। तो यहां पे P का मतलब क्या है बेटा पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर,
बेटा तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, दोनों सूत्र समान होंगे तो अपन पता कैसे चलेगा कौन सा समीकरण का कौन समांतर का, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा बेटा p लगा दिया, यानी 1 / rp = 1 / r1 1 / r2 1 / r3। ये जो सूत्र निकाला है वो किस चीज का है, समांतर कम संयोजन में अगर क्वेश्चन आता है, मैं अभी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में ही करवाने वाला हूं कि समांतर कम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है 1 / rp = 1 / r1 1 / r2 1 / r3। बात समझ में आ गई बेटा, ध्यान से इसको देखिएगा और इतना ही डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। इसके ऊपर अपन दो प्रकार के जो आंकिक प्रश्न थे, एक बिना डायग्राम वाला और एक डायग्राम वाला, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो लिंक मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घर पे रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।